हाई एवरीवन आई होप कि सब बहुत खुश हैं बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कैनेडा के बारे में कैनेडा पीएनपी एन पी ड्रा को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है ऑनटेरियो ब्रिटिश कोलंबिया और मैनिटोबा ने अपने ड्रॉस निकाले थे लास्ट वीक एंड उन्होंने लकी कैंडिडेट्स को इन्विटेशन टू तो अप्लाई भेजा है तो मैं चाहता हूँ गुड न्यूज़ आपको ऑनलाइन दिखा तो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सो सुनाओ यू कैन सी इट्स अ सी आई सी न्यूज़ बहुत ही रिलाईबल न्यूज एजेंसी इन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया उसको पढ़ लेते हैं ऑन्टेरियो ब्रिटिश कोलंबिया एंड मैनीटोबा इशू इन्विटेशन इन लेटेस्ट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम ड्रॉज यानी कि तीन प्रोविसेज हैं ऑन्टेरियो ब्रिटिश कोलंबिया और मैनिटोबा ने इन्विटेशन्स टू अप्लाई ईशू किए बिकॉज इन्होंने जो लास्ट ड्रॉ निकाला था उसमें लक्की कैंडिडेट्स को इन्होंने इन्विटेशन भेजे हैं जिन्होंने ड्रॉ को मैच किया था आगे लिखा हुआ है थ्री प्रोविसेज हैव इशूड इन्विटेशन टू कैंडिडेट दिस वीक यानी कि इस हफ्ते ही ये इन्विटेशन्स टू अपलाई ईशू किए गए हैं एंड आप देख सकते हो ये है अट्ठाइस जनवरी यानी कि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए यहां पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पढ़ लेते हैं ऑन्टेरियो ब्रिटिश कोलंबिया एंड मैनीडोबा हैव इशूड इन्विटेशन टू अपलाई टू कैंडिडेट्स थ्रू द मोस्ट रिसेंट राउंड ऑफ प्रोविशियल नॉमिटी प्रोग्राम ड्रॉज आप सभी को पता है कि पी एन पी के थ्रू कैनेडा इन्वाइट करता है लक्की कैंडिडेट्स को जो मीट करते हैं उनका क्राइटेरिया तो बहुत अच्छी खबर है एंड हम सीधा पॉइंट्स पर आते हैं कि एक्जैक्टली exactly ऑनटेरियो में यहाँ पे लिखा है प्रोविशियल इमिग्रेशन रिजल्ट जनवरी ट्वेंटी टू जनवरी ट्वेंटी सेवन यानी कि बाईस से सत्ताइस जनवरी के बीच में इन्होंने डिसाइड किया है ड्रास के अकॉर्डिंग ओंटारियो ऑन जनवरी 24 ओंटारियो इशूड अ टोटल ऑफ 620 इनविटेशंस टू अप्लाई इनविटेशंस टू अप्लाई टू कैंडिडेट्स इन द एम्प्लॉयर जॉब ऑफर यानी कि 24 जनवरी को इन्होंने 620 इनविटेशंस दिए हैं जो कैटेगरी है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर आगे लिखा इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम ऑफ द ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम इट वॉज अ जनरल ड्रा मीनिंग दैट देर वॉज नो टारगेटेड ऑक्युपेशनडिडेट्स रिक्वाइड मिनिमम स्कोर ऑफ एट टू रिसीव एंड इन्विटेशन तो ये बहुत ही जनरल ड्रा था एंड एटी टू स्कोर मिनिमम चाहिए था तो बहुत सारे लकी कैंडिडेट्स ने उसको मीट किया है बयासी का जो स्कोर है आगे लिखा दिस स्ट्रीम इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट विद अ ज जॉब ऑफर इन अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन द जॉब ऑफर मस्ट बी इन स्किल्ड ऑक्यूपेशन एट ईयर कैटेगरी जीरो वन टू और थ्री ऑफ द नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासीफिकेशन सबको पता है कि जो इस टाइम जो स्किल्ड वर्कर की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है तो उसके उसके अंदर इन्होंने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कैनेडा में पढ़ते हैं जिनको जॉब मिल चुकी है मिल चुकी है उनको इन्होंने ये इनविटेशंस टू अप्लाई भेजे तो बहुत अच्छी खबर है तो ये हो गया ऑन्टेरियो की बात अब हम बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया इशूड

एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स यानी कि जो लकी कैंडिडेट्स थे उनको तीन कैटेगरी से पिक किया गया है एक तो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी होगी और जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं जो पढ़ते हैं एंड साथ में एक्सप्रेस एंट्री के लोगों को भी इन्होंने जो पूल में जिनका प्रोफाइल है उनको भी इन्होंने जॉब के लिए ऑफर किया है आगे बात करते हैं तीसरे प्रोविंस की यहाँ पर लिखा हुआ है मैनीटोबा मैनीटोबा में आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया पढ़ लेते हैं मैनीटोबा इनवाइटेड 336 हंड्रेड कैंडिडेट्स थ्रू द मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम ऑन जनवरी 26 टू रिसीव एन इन्विटेशन कैंडिडेट्स मस्ट मीट अ बेस ऑफ क्राइटेरिया स्पेसिफिक टू दिय प्रोग्राम इन टोटल द प्रोविंस इन्वाइटेड स्किल वर्कर्स इन मैनीटोबा इशू टू फिफ्टी विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ टू सेवन स्किल वर्कर्स ओवरसीज इशू ट्वेंटी एंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम एश्यू सिक्स की इन्विटेशन विद नो स्कोर रिक्वायरमेंट तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी से चूज़ किया गया मैनिटोबर प्रोविंस ने लकी कैंडिडेट्स को जो मीट कर पाए हैं इनका जो जॉ जो था तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी खबर है भारत के बहुत सारे लोगों को इससे पी आर मिल सकता है आने वाले टाइम में अगर आप पी एन पी अप्लाई करते हो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी मिल सकता है तो आई आई थिंक ये गुड न्यूज़ बहुत लोगों को पसंद आएगी बिकॉज़ बहुत सारे लोग चाहते हैं कैनेडा जाना पी एन पी के थ्रू अप्लाई करना तो अगर आप जाना चाहते हो तो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिकॉज हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं आपकी मदद करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पी पाने के लिए या पी के थ्रू तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं जस्ट हमें फॉलो कीजिए हमसे सवाल पूछिए हम आपको रिप्लाई करेंगे इसके साथ अगर आपको स्टडी वीज़ा भी चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए